अपना कनाडा इतना सुंदर है तो मतलब समझ रहा है अपन यहाँ से लेकर ऑल द वे इंडिया जाने की रोड ट्रिप कर रहे हैं तो दुनिया कितनी सुंदर। अभी तो पहला ही मतलब पहला दिन खत्म हुआ है यार, दूसरा दिन शुरू हुआ है। वाह अमेजिंग यार अमेजिंग। थकावट वगैरह सब दूर भाई, कोई थकावट नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ 3 दिन गाड़ी चलाऊंगा ना, 1 दिन सोऊंगा, बहुत खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, जगह ही दिखा। तो यार जितने भी लोग हमारे को पहली बार देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कनाडा टू इंडिया की रोड ट्रिप कर रहे हैं अपनी रेंज रोवर वेलार में। ये हमारा मैप है ओवरऑल। सो हम 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त मिलके भाई ये रोड ट्रिप प्लान करी थी 3 से 4 साल पहले, एंड दिस इज़ आर डे 2 ऑफ द अमेजिंग रोड ट्रिप। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का 2nd डे। आज हमें थंडर बे में और टाइम हो रहा है 11 सुबह के। चेकआउट हमने कर दिया है होटल से। गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है क्योंकि भाई कल ग्रेवल रोड पर गए थे तो सारी पे गार चिपक गया भाई, क्या करे। उसके बाद हमारा रूम हमने खाली कर दिया है, रूम ऐसा है कुछ कुछ दिखने में, और रूम पड़ा हमें $125 का। $125 आपके मोटा माटी होते हैं 7500 रुपये, और भाई 7500 के हिसाब से ये दिया, इससे अच्छा तो 1500 का ओयो लेता और मज़े लेता, यहाँ है नहीं भाई वो सिस्टम। फिर हमें ब्रेकफास्ट दिया उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री, वो काफ़ी अच्छा था भाई खाने में, हमने मफिन्स और ब्रेड खाई, उन्होंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं अपने गाड़ी में सामान रखने। सामान हमने रखा भाई, बहुत क्लस्टर फैला हुआ था, सामान अच्छे से हमने रख दिया जचा के। दिवांशु ने क्या बढ़िया तरीके से लगा भाई, उसके पैकिंग स्किल्स एक नंबर ऑन पॉइंट है। और अब हम अगली स्टॉप पे जा रहे हैं, आपसे मिलते हैं आगे। तो भाई आज के हमारे 3 टारगेट है। पहला है काका बेका फॉल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यहाँ थंडर बे की शान है। फिर अपन जाएंगे सुपीरियर लेक, और उसके बाद जाएंगे पिजन रिवर जो कि लिटरली मैं बता रहा हूँ US और कनाडा इतनी दूर है जितनी दूर मैं और मेरी सीट है। बिल्कुल चिपके हुए हैं भाई, बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो चलो वहां चलते, लेट्स गो। तो भाई पहुंच गए हैं पहले स्टॉप पे, दिस इज लेक सुपीरियर। एंड थंडर बे जो शहर है वो बेसिकली पूरा का पूरा लेक सुपीरियर पे बना है। इतना बड़ा शहर नहीं है जितनी बड़ी यहाँ पर लेक है। ये लेक अप्रॉक्सीमेटली राजस्थान से बड़ी होगी या राजस्थान जितनी बड़ी होगी। आप लोगों को वहाँ पे दिख ही रहा होगा वो 3 कंटेनर शिप्स वहाँ पर हैं। वो तीनों के तीनों कंटेनर शिप यहाँ से US तक के लिए सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है। तो ये है लेक सुपीरियर। अब यहाँ से अपन निकलेंगे, सीधा जाएंगे काका बेका फॉल्स जो कि थंडर बे की एक और मेजर अट्रैक्शन है। तो भाई कई लोगों ने कहा कि माइक लगा लो, वॉइस क्वालिटी ख़राब है। तो ट्रूली नोटेड एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतनी गौर से वीडियो सुन रहे हो और देख रहे हो। तो हमारे पास 3 तरीके के माइक है यार, हम ना व्लॉगर दीदी हैं नहीं, बनने की कोशिश है पूरी पूरी। तो हमारे पास 3 तरीके के माइक हैं, एक DJI का, एक ओलांजी का और एक रोड का। तो आज रोड वाला ट्राई कर रहे हैं, मे बी इसमें कुछ अच्छी आवाज़ आती है, लेट्स सी। तो भाई कल ग्रेवल रोड पे गाड़ी चला के पूरी गंदी हो चुकी है, तो आज इसको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैप लगाया, मैप दिखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों की हम कनाडा टू इंडिया की रोड ट्रिप कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर वापस आए हैं, यहाँ पर गाड़ी धोएंगे, फिर यहाँ से दोबारा निकलेंगे आगे। तो भाई फाइनली गाड़ी धुल चुकी है और भाई ऐसी लगती है बेबी धुलने के बाद। सो दिस इज रेंज रोवर वेलार, और ऐसी लग रही है हमारी कार आफ्टर द मैप। तो भाई आ चुके काका बेका फॉल्स। नाम बड़ा फनी है लेकिन भाई जेन्युइनली फॉल बड़ा अच्छा है, फोटो में देखा था मैंने। तो यार हाफ एन आवर ड्राइव करने के बाद हम आ चुके हैं काका बेका फॉल्स में। आई नो द वर्ड इज़ टू कैची काका बेका। तो ये अपने थंडर बे की मेजर अट्रैक्शन है। एंड वरुण गया हुआ है अंदर उस वाले ऑफिस में, एंड ही इज़ बैक। तो वरुण वहाँ अंदर गया हुआ है भाई, वो लेने गया है अपनी गाड़ी का परमिट। गाड़ी का परमिट लेकर आएगा, यहाँ पर गाड़ी का परमिट लगाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे। फॉल्स लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर आपको ब्रिज दिख रही है यहाँ पर फॉल्स है। मिल गया परमिट भाई? परमिट मिल गया, $6.50 का परमिट है, और $6.50 भाई मेरे हिसाब से ₹450 के आसपास होते हैं। हाँ इतना ही कुछ होता होगा। काका बेका के इन्होंने मैप दिया भाई, बहुत लंबी वॉक करनी पड़ेगी, उसने बोला कि पूरा 1 मिनट लगेगा। बता दिया मैंने पहले तो कि भाई ये रहा फॉल। बोली ट्रेल व्रेल है, आगे जाना चाहते हो घूमने आप। और उसने मेरे ग्लासेस के बारे में तारीफ भी करी, बोली कि आपके ग्लासेस बहुत सेक्सी लग रहे हैं। मैं नहीं लग रहा क्या? तो भाई ये है काका बेका फॉल्स के लिए जो वॉक है, काफ़ी लंबी वॉक है, हार्डली 1 मिनट लगेगा हमारे को वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ पर पूरा का पूरा ये ट्रेल जा रही है, लेफ्ट में राइट में आपकी ट्रेल है, बट राइट में ही आपके काका बेका फॉल्स है। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस मिल सकती है भाई लोगों को,
बट हाँ द फॉल्स इज अमेजिंग, मेरे को अभी भी दिख रहा है एंड आई नो यू गाइज कैन ऑल्सो सी इट. ये एक डेक है यहाँ पे वॉचिंग डेक, दिस इज द फॉल्स गाइज. वाओ ओ माय गॉड, तो काफ़ी मेजर अट्रैक्शन है यहाँ की थंडर बे की, ये काफ़ी मेजर अट्रैक्शन बनती है एंड ऑल द फोटोग्राफर्स दे लव दिस प्लेस. तो यार फॉल्स से वापस आ गया एंड द फॉल्स वाज अमेजिंग, कि मतलब इतना बढ़िया फॉल्स भाई, बट थोड़ा सा दूर है हमारे ओंटेरियो टोरंटो वालों के पास से. बट आई मस्ट से कि भाई यहाँ पर जब भी आओ थंडर बे आओ या कहीं पर भी जाओ, यू शुड स्टॉप एट काकाबेका फॉल्स. काकाबेका फॉल्स यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा पिजन रिवर. पिजन रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनेस्ट रोड यहाँ पर ओंटेरियो में. आई थिंक ऑल ओवर द कनाडा पीपल हैव गिवन सो मेनी रिव्यूज कि भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. तो भाई यहाँ से निकले हैं काकाबेका फॉल्स में, लिटरली बता रहा हूँ आधे घंटे की मतलब फॉल्स की विजिट हमने बनाई थी, बट यहाँ पे हमारे को मिल गए बहुत सारे लोग जिनकी वजह से हम हो गए थोड़े से डिलेड, बट हमारे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी. एक लोग जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं यूके, तो देयर वाज दिस कपल जो कि यूके से आ रहा है यहाँ पे, जिन्होंने हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी यूके और यूरोप के ट्रैवल की. वहीं पर ही कुछ लोग यहाँ पे कैलगरी से आए हुए, जिन्होंने हमारे को कैलगरी से बता दिया कि एक साउथ से हाईवे जा रहा है एक नॉर्थ से जा रहा है, तो आप जाओ साउथ से और आओ आप नॉर्थ से. अब यहाँ से हमारे को एक घंटे का और रास्ता बचा है जहाँ हम नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है जो है पिजन रिवर, जो मैं आपको बता रहा था यूएस और कैनेडा के बिल्कुल पास में जो है, तो पिजन रिवर अपन जाएंगे एक घंटे में. वहाँ पे रुकने का अपना विचार है नहीं, सीधा ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके आपको दिखाएंगे उसकी सीनिक ब्यूटी, कुछ अच्छा दिख गया तो रुक भी जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. सो सी यू गाइज, सीधा पिजन रिवर पे मिलते हैं. बेसिकली 7.5 किलोमीटर के बाद ओल्ड बॉर्डर रोड आएगा, बट यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि कनाडा और यूएस के बीच की जो लाइन है ना, तो अभी हम कनाडा वाली साइड पे, यूएसएससी लिटरली उस तरफ, यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट, हम जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा बट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि यूएस और कनाडा कितना पास है. पिजन रिवर बाउंड्री यहाँ पर है गाइस, एंड लिटरली ये लो भाई, ये बीच में एक ये छोटी सी रिवर है और रिवर के दूसरी साइड पर है अपना यूएसए. तो ये बीच में जो रिवर जा रही है ये है अपनी पिजन रिवर, तो रिवर के परली वाली साइड पर है अपना यूएसए और अब हम इस वाली साइड पर है कनाडा वाली साइड पर है. तो भाई किसी को अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करना हो तो यहाँ से तैर के जा सकता है और अमेरिका पहुंच जाएगा. एग्जैक्टली. तो भाई ये पीछे देख रहे हो तुम, ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, ये कनाडा है वो है यूएसए. तो मेरे पास वीज़ा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आज साला पैदल ही तो चला जाऊँगा यूएस. पैदल नहीं जा सकता, तैरना पड़ेगा. हाँ मतलब तैर के चला जाऊँगा, और मुझे तैरना भाई फक, मुझे तैरना भी नहीं आता तो आगे से मैं रोड का रास्ता ढूंढता हूँ. इसको आता तैरना ये, और इसके पास तो वीज़ा भी है भाई. मतलब देखा जाए तो कितनी पास है कि यहाँ पर है और वहाँ सामने यूएसए है. बिल्कुल, बिल्कुल. कोई मतलब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ है ही तो नहीं. आई डोंट इवन सी अ सिंगल पर्सन की मतलब जो रोक सके किसी को कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए. भले ही वहाँ पे भाई घासों में कोई बैठा हो, कोई कमांडो बैठा हो पिस्तौल लेके, कोई बात नहीं, बट अभी कुछ नहीं दिख रहा. वही ना बंदा ना बंदे की जात, जहाँ तक हमें दिख रहा है. और ऐसी काफ़ी सारी ना अनमैंड टेरिटरीज हैं यहाँ पे यूएस और कनाडा के बीच में, जहाँ पे लिटरली ऐसा ही है कि आप ऐसे करके फोटो खिंचवाओ ना तो एक पैर आपका यूएसए में और एक पैर आपका कनाडा में है. आगे वही वाला पॉइंट आने वाला है, तो चलिए चलते हैं. तो भाई पिजन रिवर पॉइंट तो दिखने का ही पॉइंट है, वहाँ ट्रेसपासर नॉट अलाउड भाई, गोली वोली मार देगा कोई, मेरे तो बस की नहीं है गोली खाने की. भाई साहब मेरा मन था यूएस जाऊंगा आज बिना वीजे के, तो किसी को बताने का नहीं, नहीं जा पाया मैं. और वहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा बेकार सा पॉइंट था, कुछ मज़ा भी नहीं आया भाई सही बताऊँ तो, आने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ से अब जाएंगे मैनीटोबा, मैनीटोबा जाएंगे भाई, मैनीटोबा की कैपिटल है विनीपेग, विनीपेग जाएंगे यहाँ से, 8 घंटे का रास्ता है. और भाई अपने ड्राइवर तो तुम्हें पता ही है, ये दोनों मेरे से हल्के हैं लेकिन चला लेंगे भाई गाड़ी. तो अपन चल रहे हैं मैनीटोबा.
भाई फाइनली काफी देर ड्राइव करने के बाद एक पेट्रोल पंप मिला, क्योंकि इस आदमी को बिल्कुल भी तेल डलाने की परवाह नहीं है भाई, लेकिन हमें तो तेल चाहिए गाड़ी में भाई, दैट तो पानी पे थोड़ी चलती है गाड़ी। भाई मेरे को लग रहा है ये बंद है शायद से ऐसा, बट यहाँ पे भाई अपना कैनेडियन पंजाबी स्टाइल रेस्टोरेंट है, मेन मोटिव यहाँ पर रुकने का है कि अपना वो देसी खाना मिल जाएगा। दो तीन दिन हो गए भाई ये बाहर का ही खाना खा रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर पेट्रोल है, यहाँ सिर्फ डीजल लिखा हुआ है। चल कोई नहीं, अंदर जाके देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, बात करके आता हूँ मैं, लेट्स गो इनसाइड। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लिया, यहाँ पर तेल भराने का विचार था, लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से यहाँ पे हमें ऑक्टेन बूस्टर वाला तेल डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम तेल दूर दूर तक अवेलेबल नहीं है। और ये बेवकूफ लोग, वो दिख रहा तुम्हें वो काला चश्मा पहन के खड़ा, अपने आपको बाबू जी समझा, वही बात हो रही है। तो अब ऑक्टेन बूस्टर डालेंगे भाई उस तरीके से। और यहाँ पर भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, वहाँ से हमने चाय ली भाई, एक नंबर चाय है, मज़ा आ गया। तो भाई यहाँ पे बीच में रुके थे एक जगह पे बेसिकली अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय की क्रेविंग होने लगी थी तीनों को। यहाँ से तेल भी भरवाया, तेल यहाँ पे भाई हमारे को प्रीमियम मिला नहीं, तो इन लोगों ने मिलके मेरी जो मारी है ना, मतलब जिसकी हद नहीं है। प्रीमियम तेल मिला नहीं तो अपन को वो ऑक्टेन बूस्टर अपन ने यहाँ डाला, एंड अब यहाँ से निकल रहे हैं, पूरी टंकी भी फुल नहीं कराई, 40 लीटर डलवाया ताकि नेक्स्ट टाउन तक जहाँ पे प्रीमियम तेल मिलेगा वहाँ जाके रुक जाएंगे। बिल्कुल हाईवे के बिल्कुल कोने पे हैं, तो ये मेजर हाईवे है कैलगरी से, जो अपन को प्रॉपर ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है भाई, ईस्ट टू वेस्ट जो अपने कनेक्ट करता है सारा का सारा। तो यहाँ चाय वाय पियेंगे, चाय पी के फिर भाई यहाँ से थोड़ी सी देर में निकलेंगे। भाई काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ पर प्रीमियम तेल है, गाड़ी कर ली हमने फुल। भाई इस पेट्रोल पंप पे देखो पीछे इन्होंने ऑपोजिट में जहाज खड़ा कर रखा, भाई क्या व्यू आ रहा है, मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पर थक गए यार, थोड़ी देर खड़े हुए हैं, अब यहाँ पर टांगे वांगे स्ट्रेच कर रहे हैं, क्योंकि प्लान हो गया है चेंज। अब हम विनीपेग नहीं जा रहे, हम सीधा जा रहे हैं रजाइना सस्कैचुअन में, क्योंकि भाई हम जा सकते हैं 10 घंटे की ड्राइव और अपन तो कर ही देंगे भाई। आपको पता है जब 16 साढ़े 16 किलोमीटर की कर सकते हैं, तो 1000 किलोमीटर की ही ड्राइव है। और भाई पीछे सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं आराम से, गाड़ी को भी थोड़ा आराम दे रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत चल ली, कहीं टायर ना जल जाए। तो यार वैसे छोटे टाउन में रहने का फ़ायदा तो बहुत है, यहाँ तेल तूल भराओ, खाना वाना लो, आगे मस्त व्यू इन्जॉय करो, यहाँ से दारू वारू पियो और यहीं सो जाओ भाई आगे आराम से, और बढ़िया है। चलो अपन भी चलते हैं, गाड़ी में तेल तूल भरा लिया अपना, रेस्ट वेस्ट हो लिया है, लेट्स गो, अब मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई 1000 किलोमीटर का सफ़र रह गया है, और भाई व्यू चेक करो तुम। अब तुम्हें लग रहा होगा ये मैनिटोबा है, सस्कैचुअन है, नहीं भाई ये ओंटेरियो ही है। तो भाई ओंटेरियो हमारे से इतना ज़्यादा जुड़ा है जितनी दिल्ली, तो सेकेंड होम हमारा ओंटेरियो है, और ख़त्म होने का नाम ही तो नहीं ले रहा है। तो भाई 935 किलोमीटर और रह गए, और ये मेरे को वॉलमार्ट दिखा, तो आई वॉज लाइक यार वॉलमार्ट से कुछ ना कुछ सामान ले लेते हैं, क्योंकि रात का कुछ पता नहीं है कि भाई कहीं पे रेस्टोरेंट खुला होगा या नहीं होगा। सो आई वॉज बेसिकली थिंकिंग कि यहाँ से लेते हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई बजट ट्रैवल कैसे करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउटसाइड आप लोग भाई वॉलमार्ट या ऐसे किसी ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाओ, एंड वहाँ से अपनी ग्रॉसरीज ले लो और सैंडविचेस बना लो गाड़ी के अंदर ही। आई होप दिस हेल्प्स। खोलो जल्दी, बैठो रे बाबा, नो फ्रिल्स बंद हो रहा है, 10 मिनट में बंद हो रहा है भाई साहब, 10 मिनट में। मेरे को ब्रेड जरूर लेनी है, मतलब ब्रेड का पैकेट लूंगा ही लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई जो मेन मसला है वो ब्रेड का पड़ रहा है, क्योंकि आगे थोड़ा दूर जाना है हमने, तो अगर कुछ खाने का रहता है तो उसमें थोड़ा सा यूं है सेफ्टी रहती है, 8-9 घंटे की ड्राइव, और बीच में कई बार बिल्कुल ही रिमोट आ जाता है यहाँ पे, तो सारी जगह जो है वो ऐसी हो जाती है, कुछ खाने पीने का भी नहीं मिलता। तो ये है वो रोड जो जाएगा विनीपेग या रजाइना। तो अब ये सामने एक और स्टोर है अपना, नो फ्रिल्स बोलते हैं इसको, इसमें जा रहे हैं भाग के हम, अगर यहाँ से कुछ मिल पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चाहिए तो बस एक ब्रेड का पैकेट, बाकी तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ब्रेड ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे, दैट्स इट, लाइक केले ले लेंगे,
फ्रूट्स की जरूरत तो खैर नहीं है। किसकी? फ्रूट्स की नहीं, नहीं केलों की जरूरत बहुत है भाई, पेट में गुड फॉर योर गट, गुड फॉर योर गट वाली बात है। ले आओगे? चलूं? मर्जी आपकी, आपकी मर्जी, चल पड़े। चलो भी चलता हूँ, इनको शॉपिंग आती नहीं है तो ऐसा ना हो कि इनको लूट ले कोई अंदर, तो इनको महंगा भी लगा देते हैं आइटम, या फिर हम इनको लूट ले जरूर। तो ये है नौफ्रिल्स यहाँ पे। चलो चलते हैं, एक बार भाग के जाना पड़ेगा नहीं तो गेट बंद कर देंगे। भाई बंद कर दिया। सो कर ही दिया मुझे लग रहा है, जो डोर बंद है वो नहीं, बच गए, छोड़ दिया। चलो पहुंच गए अब तो। तो भाई ऐसे दिखते हैं यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर हैं, वो काफ़ी बड़े स्टोर होते हैं सुपरमार्केट। टमाटर भी देखो कितने बड़े बड़े साइज़ के आते हैं हमारे, एकदम हेल्दी। खाना पीना मानना पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मिलता है, मतलब वो अपने इंडिया वाला हिसाब किताब नहीं है, इंजेक्शन लगा दिए सब्जियों में एंड ऑल दैट। ये है पूरा सेक्शन जो है वो ब्रेड का। दीवानशु ले रहे हैं यहाँ से ब्रेड। डन, तो भाई फाइनली मिल गया सामान हमारे को, चाहिए थी ब्रेड। पहले अपन गए वहां पे वॉलमार्ट, वॉलमार्ट वालों ने बोला बंद है, उन्होंने बताया कि ये नौफ्रिल्स 10 मिनट में बंद हो रहा है। वहां से भागे अपन यहाँ पर, और फिर उसके बाद भाई सारा सामान लिया। दे वेटेड फॉर 5 मिनट्स कि भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा इन लोगों ने वेट भी करा, क्योंकि अपन अंदर गए बाहर आए सामान। सो भाई 2400 किलोमीटर के बाद फाइनली हम मैनिटोबा एंटर करेंगे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। और प्लस भाई हम ओंटेरियो के कोने से भी नहीं आए, तो दिस मींस कनाडा कितना बड़ा है, इसका साइज कितना बड़ा है भाई, मेस्मराइजिंग। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4, हम हैं विनिपेग और रजाइना के बीच में कहीं पे, और एक ट्रक स्टॉप है यहाँ पर। थोड़ा सोचा लघुशंका की जाए, लघुशंका जिसको नहीं पता वो इट्स लाइक गोइंग टू द रेस्ट रूम, और उसके बाद हम सोचे कि आगे निकलते हैं थोड़ा लेग स्ट्रेच करते हैं। भाई दीवानशु ने 15 घंटे गाड़ी चलाई है, उसके बाद ही गेव अप। नाउ ही सेड दैट कि अब मैं सोने जा रहा हूँ भाई। तो अब दारोबादार आता है राहुल भाई और मुझ पे, तो मुझे भाई बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का शौक नहीं है। ऐसा नहीं कि हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, इन दोनों से हैवी ड्राइवर ही हूँ मैं, बट आई एम मोर देन हैप्पी। तो भाई अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधा कैलगरी निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 11 घंटे का ही रास्ता बचा है। और राहुल भाई अभी फ्रेश फुल पावर सो के उठे हैं, और दीवानशु गए सोने, और मुझे नींद आ नहीं रही है भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम 7 बजे पहुँच के रजाइना करेंगे क्या सुबह सुबह, क्योंकि वापस तो आना ही है इस स्ट्रेच पे, क्योंकि हम जर्नी अपनी वैंकूवर से शुरू करना चाहते हैं 1 तारीख को। तो लेट्स गो, चलते हैं कैलगरी। तो भाई हल्की हल्की ठंड हो चुकी है बाहर, तो थोड़ा सा सीट वार्मर ऑन करा है, और भाई 11 घंटे की ड्राइव बची है कैलगरी की। और ये देखो रास्ता, रास्ते में कुछ दिखाई तो देगा नहीं, बिकॉज भाई मेरे को भी इस रास्ते को देख के फीलिंग आ रही है, वो अपना रणबीर कपूर और वो अनुष्का की पिक्चर है ना, ए दिल है मुश्किल, उसमें बोलता है सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, उसके साथ अनुष्का थी इसलिए उसका सफ़र खूबसूरत था, मेरे साथ राहुल भाई और दीवानशु है, भाई मेरा सफ़र तो सफ़र जैसा सा ही है भाई, नॉर्मल नॉर्मल। तो भाई शौक देख रहे हो लॉन्डो के अलग अलग से, वैसे कह रहे बजटरी कंस्ट्रेन है, लेकिन ये $5 का भाई किसी ऐसे थर्ड क्लास की दुकान से खरीदा है, बिकॉज ये इम्पोर्टेड है भाई, अपने वहाँ ये 5 या 10 रुपये का आता है, लेकिन इस आदमी को यही खाना था भाई। ठीक है, अच्छी बात है, खाओ बढ़िया। तो भाई वैसे तो 1 क्वार्टर ही खाली था गाड़ी में, लेकिन $50 का तेल आ गया भाई, वही वाली बात है, प्रीमियम डलाओगे तो प्रीमियम रेट भी लगेगा। और अब यार एक छोटा सा स्टॉप लिया है, सोच रहे हैं कि कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाए यार, दिन की शुरुआत हुई है तो दिन बढ़िया करते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं बढ़िया, कोई ब्लैक कॉफ़ी पी के मस्त आगे गाड़ी चलाते हैं फुल पावर। तो भाई एक आदमी जो सारी रात का जगा हुआ हो, उसको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, तो नींद या फिर कॉफ़ी। तो नींद तो मिलने से रही भाई, कॉफ़ी हम पी लेते हैं, कॉफ़ी पी के निकलते हैं। आगे का रास्ता लंबा है, 10 घंटे की ड्राइव रहेगी अभी भी, और कैलगरी पहुँचना है हमें। तो सी यू।
तो भाई रास्ता तो इस व्लॉग की तरह लंबा ही होने वाला है, लेकिन इस सनराइज को चेक करो भाई। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और क्या सनराइज हुआ है, एक नंबर, मजा आ गया भाई इसको देख के। फुल रिफ्रेश हो गया हूँ मैं, और भाई कैनेडा इज रियली ब्यूटिफुल। तो भाई काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद एक टाउन है यहाँ पे वाइट वुड, ये रजाइना से अपना 1.5 घंटा दूर है। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और अपने लौंडे भाई रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि भाई ड्राइव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और मैं भाई आपको पल पल की खबर देता रहूँगा। यहाँ पर हम लोग मस्त चिल कर रहेंगे थोड़ी देर 1.5 घंटा, उसके बाद निकलेंगे रजाइना। रजाइना 1.5 घंटा है भाई, रजाइना नहीं रुकेंगे हम, लेकिन हम जा रहे हैं कैलगरी। तो कैलगरी रजाइना से भी 7.5 घंटे की ड्राइव है, तो यानी टोटल 9 घंटे की ड्राइव अपनी रह गई है। तो 9 घंटे और ड्राइव करके कैलगरी पहुंचेंगे भाई, इसके बाद रेस्ट वेस्ट करेंगे, तब तक चिल मारेंगे भाई। चलता चलता नाली में पड़ गया था, इस वजह से इसका ऐसा हाल है। और ये पीछे पीछे से पड़ी थी, क्योंकि बगल में कलर दिख रहा है नीला। नीला नहीं, सिल्वर है शायद। सिल्वर है? शायद सिल्वर है, सिल्वर है। चलो आगे आगे तो बढ़ो, भाई पता चलेगा। और बढ़ाते हैं, पता चले आगे और पे भी बढ़ाते हैं। सिल्वर, सिल्वर है। वाओ। तो भाई कुल मिला के 3380 किलोमीटर के करीब गाड़ी चल गई है। कल हम निकले थे थंडर बे से इसी टाइम के अराउंड, 11:30 बजे के अराउंड हम निकले थे थंडर बे से। अभी टाइम हो रहा है 12:19, प्लस कनाडा में हम 2 घंटे ऑलरेडी पीछे चले गए, क्योंकि हमने 2 टाइम ज़ोन क्रॉस कर दिए हैं। तो भाई अप्रॉक्सीमेटली 27 घंटे की ड्राइव हो चुकी है एक स्ट्रेच में, जिसमें हमने बहुत ही सारे किलोमीटर्स कवर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे पराठे खाएंगे, पराठे खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पर हमारे को रेकमेंड करा था कि यहाँ पे पराठे मिल जाएंगे अपने देसी स्टाइल, एंड यहाँ से भाई 3 या 4 पराठे खाएंगे, एक पनीर का, एक खाएंगे आलू का, एक खाएंगे आलू प्याज का, और एक खाएंगे गोभी का। शुक्रिया। यहाँ पराठे खा के और फिर निकलेंगे। हाय देयर, कैन वी गेट इंडियन स्टाइल पराठा ओवर हियर? ओह परफेक्ट, वेयर कैन वी सिट? यस, थैंक यू सो मच। वी वर रेकमेंडेड बाय समवन फ्रॉम टिकटॉक। मोस्ट वेलकम, हैव अ सीट सर। थैंक यू सो मच। तो गोभी और पनीर और इन सब चीज़ों के तो मिले नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे अवेलेबल थे। बट आलू के पराठे क्या डिलिशियस पराठे हैं, हम ऑलरेडी एक एक खा चुके हैं भाई, एक एक और मंगा लिए हैं। तो भाई $55 के पराठे खाने के बाद शक्ल इतनी ग्लो अप करती है, मस्त नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि रात भर का सोया नहीं हूँ। तो अब मेरा टाइम हो गया सोने का, क्योंकि 5 घंटे की ड्राइव है और मेरे को अब बिल्कुल भी जगने का मन नहीं है। तो मैं चला भाई सोने, आगे की कमान हम देते हैं हमारे 2 धुरंधरों के पास, और अब ये गाड़ी लेके आगे चलेंगे कैलगरी की तरफ। तो भाई सस्कैचवन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्लेन है। 750 किलोमीटर इस हाईवे पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है, गाड़ी अभी साइड में लगाई है, थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब जिस भी डायरेक्शन में देखो यू विल ओनली एंड ओनली सी प्लेन लैंड भाई, मतलब खेत ही खेत है आसपास। लिटरली ऐसा लग रहा है अपने हरियाणा पंजाब वाली साइड पर आ गए हैं और वहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। ये जो हाईवे है, इस हाईवे की स्पीड ही 110 किलोमीटर पर आवर की है। और ये जो ऊपर जो बादल दिख रहे हैं भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग ही तो कर दी है। डेडिकेशन चेक कर रहे हो लौंडे की, गाड़ी में बैठा बैठा भी एडिटिंग पे लगा हुआ है। ठीक से कर भाई, लोग कहते आवाज उस ठीक से नहीं आती, मेरे को चाहिए आवाज। ये इतना इतना पैसा क्यों खर्च रहा हूँ मैं, क्यों खर्च रहा हूँ भाई। तो भाई फाइनली अल्बर्टा पहुंच गए हैं, मतलब यूं लगा लो कि 26 घंटे की ड्राइव कर अपनी रेंज रोवर में नॉन स्टॉप वी हैव फाइनली रीच्ड अल्बर्टा। और वहां पीछे देखो यार क्या जा रहा है,
वो बंदा यूएसए से उस पीटरबिल्ट को चलाता हुआ आया है, तो उसकी आवाज सुनो, ये ट्रकों का बाप है। तो भाई वरुण अभी भी सो रहा है, वरुण मैं बता रहा हूँ, वरुण सारी रात नहीं सोया, कल पूरे दिन नहीं सोया, आज भी नहीं सोया। आलू के पराठे खाए हमने और वो कहता भाई मेरे को आ गई नींद, तो वो गया सोने के लिए, उसको अभी हम डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं। अल्बर्टा पहुँच गए, यहाँ से हार्डली 250 किलोमीटर के बाद अपना कैलगरी आ जाएगा, जहाँ पे आज रात को अपन रुकने वाले हैं। एंड होटल ऑलरेडी बुक करा लिया है, कैलगरी से थोड़ा सा बाहर कराया, क्योंकि कल अपन वहीं से आगे वैंकूवर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जैसे अब मेरे को लग रहा है भाई जब भी मेट वाली बात याद आ रही है कि भाई इस रास्ते को बोरिंग बना दो, प्लीज़ मेरे को कमरे में ले जाके सुला दो, भाई थक चुका हूँ मैं। 24 घंटे से ज़्यादा हमें रोड पे कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हुए हो गए और अभी भी हमें 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में। 3700 किलोमीटर हो चुके हैं भाई साहब, और जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिप कैसे जा रही है, तो ट्रिप थोड़ी सी ऐसे जाएगी हमारी कि हम 1 तारीख को कैनेडा डे वाले दिन वैंकूवर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे और वहाँ से निकलेंगे। तब मैं आप लोगों को बेटर तरीके से सारा कंटेंट दिखा पाऊँ भाई, फिर 2 घंटे की वीडियो ले लो मुझसे, अभी मैं सिर्फ ये रास्ता कवर कर रहा हूँ। तो इस रास्ते में कवर होते होते मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ें मैंने देखी, वो मैं अपने नज़रिए से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भाई फाइनली कैलगरी के अंदर घुस चुके हैं हम लोग, और भाई मज़ा ही तो आ रहा है देखने में, क्या शांति कितनी है यार आपके शहर में, वाओ। तो भाई 30 घंटे की जद्दोजहद के बाद फाइनली हम कैलगरी पहुंच चुके हैं भाई, थक गए, मोनोटोनस ड्राइव थी, काफ़ी लंबी ड्राइव थी, लेकिन सीनिक है भाई, क्या रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। और अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल रेस्ट वेस्ट करके भाई कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है। कल अपन निकल रहे हैं बैंफ कैनमोर, क्योंकि पिछले साल आए थे तो भाई ढंग से घूम नहीं पाए थे, इस बार तो बिल्कुल जाम फाड़, मज़ा ही तो करना है। और बीच में उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से कैनमोर और बैंफ से जाएंगे हम वैंकूवर, वैंकूवर वाला रास्ता होगा और भी ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जाएंगे कोका हिल्स में से। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम कल, टिल देन सी यू।